नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के खड्डा क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के खड्डा नगर पंचायत में उपस्थित हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है, 4 मई को मतदान और 13 मई को मतगणना हुआ। इस नगर निकाय के जो चुनाव था, इसमें बड़े बड़े योद्धा शामिल थे इस चुनावी दंगल में, लेकिन विजय उन्हीं को मिली जो कड़ी संघर्ष किए, मेहनत किए, जिनको लोगों को आशीर्वाद मिला। तो इसी बीच हमारे पास नगर पंचायत खड्डा के एक वार्ड सभासद प्रतिनिधि उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा इनसे आपको रूबरू कराऊं और मिलाऊं, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अत्यधिक वोटों से इनकी विजयी हुई है। तो सर, सबसे पहले सर मैं अपने चैनल के माध्यम से सर आपको बहुत सारा बधाई हो कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त की सर। और दूसरी सर बात यह है कि आपका बहुत बहुत सर शुक्रिया, आप हमारे चैनल में सर समय दिए। और सर तीसरी बात यह है कि आप, मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दें हमारे चैनल के माध्यम से पहले। मेरा नाम संजय गुप्ता, वार्ड नंबर 4 आजाद नगर। मेरी पत्नी सभासद एकता पर्व के अध्यक्ष पिछली बार थी, पिछली बार भी चुनाव जीती थी लगभग 200 वोट से। इस बार खड्डा नगर पंचायत में पूरे इतिहास रच दिए हैं, सबसे ज़्यादा वोट से मेरी पत्नी अमिता गुप्ता चुनाव जीती है, जो बीजेपी पार्टी थी। कितना वोट मिला था, कितना और कितने वोटों से जीती थी? हमारे वार्ड में 907 वोट पोल हुआ था, जिसमें 22 वोट खराब हो चुका था। मेरी मैडम को, मेरी पत्नी को मिली थी 577 वोट, जो 394 वोट से विजेता घोषित हुई। सर, सवालों का सर आपसे सिलसिला जारी रहेगा, बात सही है। आखिर में क्या वजह है कि आप तीसरी बार फिर आप सत्ता में आए हैं? आखिर में सर कौन ऐसे काम किए कि लोगों को अच्छा लगा, इसके वजह से आपको फिर सेवा का आपको मौका दिए? मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, मेरी पत्नी चाहे हम, जनता के सुख दुख में हमेशा हम लोग रहते हैं। जो भी कुछ पड़ता है, सुख दुख बांटते हैं हम लोग, जनता के हमेशा आशीर्वाद लेते हैं, इसलिए हम लोग को जनता आशीर्वाद देती है। सर, अगला सर सवाल ये है आपसे सर, इसमें आप कैसे किए संघर्ष चुनावी समय में सर, जो चुनाव में, हालांकि इसमें भी पार्टियां और अन्य भी जो थी शामिल, जो आपकी प्रतिद्वंद्वी थी, तो सर मैं चाहूँगा आप अपने संघर्ष के बारे में थोड़ा बताएं कि आप किस प्रकार लोगों से मिलते थे, कैसे आप जनसंपर्क करते थे, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती थी और उसको आप कैसे हल किया करते थे? समस्या तो आती थी हमारे वार्ड में, बहुत ज़्यादा समस्या आती थी, क्योंकि पिछले बार समाजवादी पार्टी की चेयरमैन थी, जो 4 साल बोर्ड की मीटिंग में आई नहीं। संघर्ष जी, 4 साल बोर्ड की मीटिंग नहीं हुआ खड्डा नगर पंचायत में। संघर्ष तो बहुत हम लोग किए, लेकिन जनता ने उसका एक फल दी कि संघर्ष करते हुए अपने जो विश्वास दिलाए कि इस बार हमारा चेयरमैन, हम खुद आ रहे हैं, लोग विश्वास दिलाते हैं कि विकास का काम बहुत ज़्यादा होगा वार्ड नंबर 4 नगर पंचायत खड्डा में। सर, अगला सर ये है सवाल कि सर अभी सर आपके वार्ड में अगर जो पहली बोर्ड की मीटिंग बैठेगी सर, तो आप उनमें किन, आप अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर चर्चा कीजिएगा सर? पहली बोर्ड की मीटिंग में बहुत सी समस्या हमारे वार्ड की है, क्योंकि पिछले 4 वर्ष 5 वर्ष कोई काम नहीं हुआ, पिछले कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, ये हमारे वार्ड नहीं पूरे खड्डा नगर में कोई काम नहीं हुआ। आज के पिछले नगर में, ये पिछले बोर्ड में ये देखिए कि ना कोई नारी बना है, ना कोई सड़क बना है, कुछ नहीं बना है। तो समस्या तो थी चुनाव लड़ रहे थे तो, लेकिन इस समय समस्या हमारा लगभग लग रहा है 101% खत्म हो चुका, क्योंकि मेरा चेयरमैन बीजेपी से संगीता वर्मा, अब मेरी मैडम बीजेपी से अमृता गुप्ता है। मतलब सर केंद्र में भी, राज्य में भी, नगर पंचायत में भी और वार्ड में भी जी जी, चारों जगह। चार लोग कहते हैं 3 इंजन सरकार, हम कह रहे हैं 4 इंजन सरकार बनाए हम लोग, इसलिए विश्वास दिलाते हैं कि अपने वार्ड नंबर 4 और नगर पूरे खड्डे नगर में मेरे चेयरमैन, अच्छा वार्ड नंबर 4 में बहुत ज़्यादा काम होगा, विकास बहुत ज़्यादा होगा। सर अगले सर मैं और समय आपसे लास्ट सवाल में सर आपसे मैं पूछूंगा आपसे, मेरे चैनल के माध्यम से वे जनता जो आपके वार्ड नंबर 4 की सर, 4-9 वार्ड नंबर 4 की जो जनता है आपके लिखा भी संघर्ष की दिन रात एक कर दी, और आप उनका आप पर आशीर्वाद भी रहा और आप संघर्ष भी किए, सर उनके लिए आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको नमन प्रणाम करता हूँ, सदर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वार्ड नंबर 4 जनता मुझे तीसरी बार चुनी है,
और तीसरी बार 15 साल किसी को एक आदमी को अपने वार्ड का कमान देना ये कम बात नहीं, छोटी बात ही बात नहीं है। जनता ने मुझे बहुत स्वीकार की, मैं जनता को आभारी हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपने कीमती समय दिए और यह एक जनता का ये प्यार है, दुलार है, इनका संघर्ष मेहनत है कि आज रंग लाया और ये तीसरी बार वार्ड पार्षद अर्थात सभासद पद पर पुनः चयन किए गए। हालांकि और सर और कुछ कहना चाहेंगे? सबसे इतिहास खड्डा में इतने इतिहास वोट से कोई नहीं जीता था, इतने ज़्यादा वोट से, अधिक वोट से कोई नहीं जीता, लेकिन तीसरी बार मैं चुनाव लड़ रहा, तीसरी बार जनता सबसे ज़्यादा वोट देकर मुझे नगर पंचायत बोर्ड बैठाने के काम किए, मैं उनको सदर प्रणाम करता हूँ। शुक्रिया। तो ये थे हमारे जो वार्ड के वार्ड नंबर 4 के नए निर्वाचित सभासद पद के प्रतिनिधि। तो मैं चाहूँगा इनसे कि हाँ कि इस अपने वार्ड में एक विकास की लहर लाए, क्रांति लाए और विकास की जो गति का ग्राफ है काफ़ी ऊंचा जाए। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईस उल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज, कुशीनगर जनपद खड्डा।